भारतीय टीम 26 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट खेलने उतरेगी। उस टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, ऐसे में मयंक अग्रवाल के जोड़ीदार के रूप में शुभमन गिल को टीम में चुना गया है। टीम के दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल के लिए एक खास मौका है, क्योंकि 2 साल पहले जिस मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, अब एक बार फिर से वो उसी मैदान पर मुकाबला खेलने के लिए उतरने वाले हैं। मयंक अग्रवाल ने दूसरे टेस्ट से पहले अपने डेब्यू के उस पल को याद करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने उस ट्वीट में 2018 के अपने डेब्यू की तस्वीरें शेयर की हैं। 26 दिसंबर 2018 के दिन ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शानदार डेब्यू किया था। अपने करियर की पहली पारी में ही मयंक ने 76 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में 42 रन का अहम योगदान दिया था। उस मुकाबले को टीम इंडिया ने 137 रनों से जीता भी था। मयंक ने अपनी मेमोरी को याद करते हुए ट्वीट में लिखा, 26/12/2018, एक बच्चा जो हमेशा अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखता था। टेस्ट कैप मिलने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी भावनाएं दौड़ रही थी। MCG में बल्लेबाजी करने के लिए उतरने का वो पल अब भी ताजा है। भारतीय टीम को अगर एक बार फिर से मेलबर्न टेस्ट जीतना है, सीरीज में वापसी करनी है, तो उसके ओपनर्स का चलना बहुत जरूरी है। विराट कोहली के जाने के बाद अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने हैं। भारत ने दूसरे टेस्ट के लिए ओपनिंग में विकेट कीपिंग में और गेंदबाजी में भी बदलाव किया है। ओपनिंग में शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज की एंट्री हुई है। रिद्धिमान साहा को भी दूसरे टेस्ट से बाहर कर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। लल्लन टॉप लटक शॉट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बदलाव ही दूं, पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।